साजिश किसने की? आखिरी बार कह रहा हूँ, ये 325 लीटर बाल निकालने वाली क्रीम मैंने ऑर्डर नहीं की थी। बच गई घंटी। परतोस की, खुद को संभालो हनी, तुम ये कर सकते हो। बस एक साल में वो पाठशाला से बाहर होगा। मिस्टर बटोस्की, पाठशाला से निकलवाने की चिट्ठी लिखवा कर रहोगे क्या? शायद। नहीं, तुम जानते हो मुझे चिट्ठियां लिखना पसंद नहीं है। अगर इस बार तुम्हें छोड़ दूं तो? ठीक है, ठीक है। सुनो कि अब एक भी गड़बड़ की तो तुम पाठशाला से बाहर किए जाओ। स्कूल से बाहर? Awesome! पाठशाला से बाहर और पढ़ाई घर में। स्कूल से बाहर और घर में स्कूल? किसे चाहिए? Awesome! पाठशाला से बाहर और पढ़ाई मिस चिकारेली के घर में। चिकारेली? माफ करना, मैं केक के बारे में सोच रहा था। गंथर सुन, अगर एक गलती भी हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मामला संगीन है। केक? ध्यान रहे कि मैं ऐसी कोई भी चीज ना करूं जिससे कोई नुकसान हो। वाव केक, ये कब कर लिया तुमने? ये मैंने नहीं किया, लेकिन प्रिंसिपल ने देख लिया तो। केक जल्दी, वो आ चुके हैं। मैंने ये नहीं किया है। मजाक कर रहे हो, तुम्हारा नाम लिखा है उस पर चारों तरफ। नामुमकिन है। ओ बिल्कुल मुमकिन है, देखो साफ साफ लिखा है। सर ये साजिश है। साजिश? सबूत दिखाऊं? ये देखिए सर, चमकीला मार्कर मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। उंगलियों के निशान देख लीजिए। ग्रेस मुझे सुन रहे हो? मिस चिकारेली से कह देना कि एक नया विद्यार्थी आ रहा है जिसका नाम है किक बटोस्की। खेल खत्म। आधा घंटा लगेगा कागजी कार्रवाई करने के लिए, और जानते हो ना मुझे चिट्ठियां लिखना पसंद नहीं है। आज से तुम पाठशाला से बाहर। पाठशाला से बाहर जाने की खुशियां मनाओ बच्चे। इतने कारनामे किए लेकिन आज गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। मुझे पता लगाना है किसकी साजिश है। क्लास में जाओ और शुरू कर इमरजेंसी प्लान नंबर 32H। क्या, कौन सा प्लान? 32G के बाद वाला प्लान। मिस मार्टन प्रेजेंट। मिस्टर बटोस्की, मिस्टर बटोस्की। यो है। माइंड इट। निशान जिसमें तम नहीं। लिखाई बहुत ही बुरी, रबर एकदम बेजान, घटिया क्वालिटी। कोई नौ सीखिया होगा, लेकिन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, लेकिन वक्त बहुत कम है। और इस तरह साइन वेव मेरे दिल की उदासी दिखाता है। दिल को छूने वाली प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कौन? मिस्टर बटोस्की, मेरी कक्षा में सो रहे हो तुम? ये ठीक है। मिस फिट्ज़पैट्रिक, मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? नहीं, समझे, मैं मजाक कर रही हूँ, जल्दी जाओ। केक, तू बाहर कैसे आया गंथर? मैंने कहा मुझे टॉयलेट जाना है। सही सही बता। नहीं, मुझे सचमुच में जाना है। सोच गंथर, मुझे स्कूल से निकालने की साजिश किसने की है पता लगाना होगा। फिर तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। मैं जानता हूँ। गौर से सोचो केक, तुम्हें बाहर करवाने से किसका फायदा होगा? सोचो। उत्तम, सर्वोत्तम। अच्छा नहीं है। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। इसके अलावा आज मैं रिकॉर्ड तोड़ कर रहूंगा गंधर। वाव केक, तुमने तो 578 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कमाल की चीज है। स्ट्रिंग थ्योरी की सच्चाई साबित कर ली है मैंने, और सबूत मेरे कंप्यूटर में है। बटोस्की, तुम्हें तो मैं मजा चखा के रहूंगा। ठीक है, रोनाल्डो या फिर कैंडल? या रोनाल्डो और कैंडल। हाँ? देखो, तुम देखती ना मैं क्या कर रहा हूँ। गंधर, तू कमाल है यार। क्या मैं अब बाथरूम जा सकता हूँ? काम के बाद। बटोस्की के स्टैंड्स बिल्कुल बकवास होते हैं। उसकी जिगरबाजी की किसको पड़ी है? अब तक तो अपना राज किसी को भी नहीं पता। अच्छा जी, तुमने सोचा तुम बचकर निकल गए, लेकिन ये ढक्कन मौका वारदात पर मिला है। अरे इस पर तो ढक्कन है। अरे हाथ क्यों पकड़े हुए तुमने? इसमें क्या गलत है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। क्या दोस्त?
छोड़ो अब बताओ, चुप रहने की क्या कीमत लोगे? कोई कीमत नहीं मिलेगी, तुम मेरे बर्गर्स चुराते हो। पता है मुझे, तलाशी ली जाए तो सबूत भी मिल जाएगा, इस बात को याद रखना। मैंने नहीं लिया बर्गर बॉय, बल्कि तुम दोनों मुझे स्कूल से निकलवाना चाहते हो। ये तुम्हें क्यों नहीं सूझा? एक मिनट, तुमने साजिश नहीं की तो फिर किसने की? मुझे जल्दी कुछ और सोचना पड़ेगा। हे सुनो, मैंने जीरो और एक की भाषा में तुम्हारे लिए कविता लिखी है। रोनाल्डो, तुम मेरे सबसे घटिया दोस्त हो। ओह शुक्रिया मिस चिकरेली, निवृत्ति के बाद भी आप मिस्टर बटोस्की पर काबू पाने में हमारी मदद करने आई हैं। बिना ढक्कन का रेड मार्कर। और सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी जल्दी आओ, एवी रूम में आके तुम्हें कुछ उगलना है। केक बटोस्की को बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। मिस्टर बटोस्की, बाथरूम जाना चाहते हो तुम? बड़ी जल्दी में था शायद। ओह कबाब, एक बार फिर से शुक्रिया रोनाल्डो। खेल खत्म। हाँ तो क्या हुआ, मैंने उसके कुछ कबाब में से एक ले लिया। आपका कुछ खो गया है? ओह शुक्रिया। और इसका ढक्कन तुम कहीं छोड़ आए थे ना? तुम क्या कह रहे हो, मैं नहीं जानता। दरवाजे पर टक्कर मारी तब तुम्हारे हाथ में कबाब थे। नहीं तब नहीं थे। चलो मैंने साजिश की, तुमने मुझे काफी परेशान किया है आज तक, तुम्हें बाहर तो निकालना ही था। रहने दो अंकल, तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो। रंगे हाथ? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ बोलो, कुछ भी नहीं। ये सबूत अब प्रिंसिपल सर देखेंगे। शुक्रिया इसे लौटाने का, वैसे इसे ले जाने की परमिशन तो मैंने तुम्हें नहीं दी थी। रोनाल्डो, उस कैमरे में मेरी बेगुनाही का सबूत मौजूद है, उसे अरे बढ़िया, सबूत को मिटा दूंगा, बर्गर्स की कीमत भी वसूल हो जाएगी। तेरे बर्गर्स मैंने नहीं लिए हैं, पहले वीडियो देख ले। केक, आज के बाद मिस चिकरेली तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगी, कैसा लगा? मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने फंसाया है। मैंने कुछ नहीं किया। चलो मैंने साजिश की, तुमने मुझे काफी परेशान किया है आज तक, तुम्हें तो बाहर निकालना ही था। हाँ तो क्या हुआ, मैंने उसके कुछ कबाब में से एक ले लिया। सफाई कर्मचारी, बेगुनाह है, टॉयलेट जाना है। शुक्रिया रोनाल्डो। तुम तो मुझे पसंद नहीं बटे उसकी, लेकिन उसने मेरे बर्गर्स चुराए थे। तुमने किक को फंसाया, ये मुझसे क्या हो गया? देखिए ये काम मेरी जिंदगी है, ज्यादा है फिर भी ये काम मुझे पसंद है। स्केटबोर्ड के निशान पहुंचना, फर्श धोते रहना, हर बार लॉकर्स को रंग लगाते रहना, मगरमच्छों के साथ लड़ना। वाओ, मगरमच्छों से लड़ना, क्या बात है। ओ शुक्रिया केक। हर रोज इतनी तेज सफाई करना भी कमाल की बात है। सफाई करते करते मैं भी थोड़ी कलाबाजी सीख गया हूँ। अपनी खूब जमेगी। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें निकाला जाता है। सर रुकिए, मेरे कर्तव्यों ने इन्हें मजबूर किया और ये यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं। इन्हें निकाला तो सफाई क्या मिस चिकरेली करेंगी? ठीक है केक, तुम सही कहते हो। कक्षा में जाओ और तुम सब बैंड बजाते रहो। क्या मैं अब टॉयलेट जा सकता हूँ? और तुम सफाई कर्मचारी, तुमने इतना बड़ा घोटाला किया है आज, एक बार और करोगे तो बाहर जाओगे सीधे, तुम्हारा ये आखिरी मौका है। ओ शुक्रिया सर, आज के बाद ये पाठशाला साफ सुथरी रहने वाली है।
सफाई शुरू। आजा गंधर, तेरे लिए बाथरूम ढूंढते हैं। मैंने तो कब का ढूंढ लिया। जिगर पास लड़की। टीना, ये तुम्हारी सबसे बढ़िया टी पार्टी है। हसीनाओं को इससे बेहतर राजकुमारी कहाँ मिलेगी। तुम लोग सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गोली मिलके निंजास आ गए, भागो! निंजास, तुमने गलत पार्टी को बिगाड़ा है। ओह नो, ये तो डीना संदर्भ है। कभी ये प्रिंसेस, कभी है जासूस। अगले हफ्ते मैं तुम्हारा कच्चू मर बनाऊंगी। Sometimes Miss Havishaw. Laser Cat. Barbary Ozzy. दुगना करता। चुप रहो। तारे। चुप रहो, बिगाड़ो मत। तो ये था टीना का जलवा, समझे? झूठ मूठ का तमाशा। मुझे तो सच का लगा। टीना समटाइम्स तो झूठ मूठ की लूट है। गुलाबी जंपसूट और विग पहने कोई लड़का स्टंट करता है, लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। बैठ के देखो, सिर्फ शक मत किया करो। तुम्हें अच्छा लगेगा केक। ऑसम, इससे अच्छा तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। चुप रहो, मुझे ये गाना सुनने दो। ब्रैड, चुप रहो महामूर्ख, नहीं तो अगले हफ्ते तुम्हारा कचुंबर बनाऊंगा। शो फिर भी बकवास है। वो इतने क्यूट है, तुम्हें क्यों ये शो पसंद नहीं, तुम ही जानो। मैं बेकार की बकवास देख तो सकता हूँ, फिर उसे दिमाग से निकालने में तकलीफ होती है। कौन है ये? होश में हो? मैं कभी होश नहीं खोता। हाँ, क्या बात है टीना समटाइम्स। जल्दी कोई आके जरा मेरी आंखों पे पट्टी बांधो प्लीज। मैं टीना समटाइम्स नहीं हूँ, उसकी डुप्लीकेट हूँ। मैंने कहा था ना, दुगना करता जरूर होगा। अरे तुम तो एक लड़की हो। हाँ, लड़कों जैसी पर बेहतर। नाम है रोजेटी, स्कारलेट रोजेटी, जिगरबाज स्टंट डबल। केक बटॉस केक, ऑसम जिगरबाज। और मैं गंधर, सिर्फ गंधर। तो टीना समटाइम्स मेलब्रुक में, क्या मैं जागते हुए कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, हम यही शूटिंग कर रहे हैं, एक ही तो कमर तोड़ टेकड़ी है। मेरी कमर तोड़ टेकड़ी? हाँ, उसका नाम अब हसीन कूद टेकड़ी होगा। कमर तोड़ टेकड़ी का लड़कियों से कोई वास्ता नहीं। वो एडिट में देख लेंगे। मेरी जिगरबाज जिंदगी को ये भयानक सजा क्यों मिल रही है? शो देखना छुटकू, फिर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो तुम्हें करतब पसंद है? मुझे काम पे जाना होगा। और अब शुरू मिशन टीना समटाइम्स से भिड़ेर। इस मिशन का आसान नाम हम आपको बाद में बताएंगे, आप हमें सुनते रहना। सुनती हो, तुम कचरे का ढेर लगती हो। तुम मुझे बुधवार को मिलना कचरे के डिब्बे में। नहीं, वो मुझे पसंद करती है। तुम्हारी कोशिश मिट्टी में मिल जाएगी निंजास। हाँ, मेरी लेजर लिपस्टिक का कमाल देखो। काट, स्टैंड डबल को ले आओ। एक्शन। टीना को ले आओ and action। अच्छा है मेरे पास मेरी पसंदीदा लेजर लिपस्टिक और पसंदीदा स्केटबोर्ड है। काट, बढ़िया टीना, पैकअप शूट खत्म। टीना, कमाल के होते हैं क्या? तुम खुद ही वो करती हो? क्या कहूँ, मेरी तो जिंदगी है स्टंट्स। तुम्हारे करतब को अपना बता रही है और तुम हो कि चुप बैठी हो, कितनी बड़ी जिगरबाज हो लड़की होकर भी। मैं एक डुप्लीकेट हूँ, मुझे परछाई बन के जीना पड़ता है। टीना, आपका ऑटोग्राफ। तुम टीना नहीं हो, पता नहीं कौन हो।
देखा, तुम्हें कोई नहीं जानता। हाँ, और तुम्हें सब जानते हैं। केक बटोस्की, केक बटोस्की, केक बटोस्की। लोग मुझे जानते हैं ना चाहते हुए भी। सुंदर। और देखना, लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेंगे। उम्मीद है कि तुम्हें अनजान रहने का कोई शौक नहीं है। देखो दुनिया वालों, आ गई स्कारलेट। स्कारलेट, स्कारलेट, स्कारलेट। हे स्कारलेट, कैसी हो स्कार? वो प्लेन वाली जंप अच्छी थी। क्या हाल है स्कार? देखा, लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने लगे हैं। हाँ केक, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तुम लड़के हो फिर भी अच्छे हो। तो इस साल एक अच्छा काम हो गया मेरे हाथ से, वो भी सही वक्त पर। क्यों? Sometimes का झटका। अरे इतनी जोर से क्यों मारा? शूट खत्म हुआ है। टीना यहाँ से जा रही है और शो बंद होने वाला है तुम्हारी वजह से। ये तो खुश खबरी है। सबने देख लिया उस स्टंट डबल के साथ जिसने शो छोड़ा है। टीना स्टंट डबल के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। बचाओ कोई तो। तुम सब कुछ पहले जैसा कर दो। ये आखिरी चेतावनी है। ये दुनिया कितनी प्यारी प्यारी लग रही है उस बकवास शो के बगैर। स्कारलेट, तूने शो क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे दिखाया कि मैं हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शो तो कैंसिल हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सब कुछ पहले जैसा कर दे प्लीज। उस महाबकवास शो के बिना दुनिया कितनी शांत लग रही है। पर मैं परेशान हूँ। क्या करूँ यार गंधर, सब मुझ पर गुस्सा है। मेरे सारे कर्तव्य वो कर रही है। क्या करूँ? गुस्सा करने वालों को भूल जाओ। सही कहा, सब कुछ पहले जैसा करना पड़ेगा। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? असली गंधर को टीना ने पसंद नहीं किया तो मैं ये फिल्मी अदा उसके सामने पेश कर रहा हूँ। तू और फिल्मी? कभी कभी हमें वो बनना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। वो बनना पड़ता है जो हम नहीं चाहते? तू तो बहुत ही ऑसम है। अरे वाह, जीनियस। और मैं एक्शन, जल्दी टीना को भेजो। एक्शन। कमर तोड़ टेकड़ी पे ग्रैंड फिनाले। ओ, तो ये बात है, तुम वही कर रहे हो जिसे छोड़ने के लिए मुझे ज्ञान दिया था। कर्तव्य करने का यही रास्ता बचा था। शो भी शुरू हो गया और फैंस भी खुश हैं, देख लो। याद है तुमने क्या कहा था? कभी कभी कोई और बनना पड़ता है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। और वैसे भी तुम टीना से कितने छोटे हो। वो एडिट में देख लेंगे। डर लग रहा है क्या मैं तुमसे बेहतर कर लूंगा? मुझसे बेहतर? भूल जाओ। ये मजाक बंद करो। तुम जानते भी हो तुम कौन हो? कभी एक प्रिंसेस और कभी एक चालाक जासूस, समझी? टीना समटाइम्स, स्कारलेट लेटर। खत्म टीना समटाइम्स। शायद कभी, पर आज तो नहीं। क्या टीना अपनी नई दुश्मन स्कारलेट लेटर को हरा सकेगी? जानने के लिए देखिए टीना समटाइम्स में स्कारलेट रोसेटी का गेस्ट अपीयरेंस। बढ़िया शॉट्स तो उन्होंने काट दिए। क्योंकि तुमने कैमरा पर जंप किया। अरे हाँ, तो टीना के कर्तव्य अब कौन करेगा? कोई नाटा सा आदमी है विग पहना हुआ। तो तुझे अपने शो में पहचान मिल गई है। अगली बार यहाँ आएगी तो देख लेंगे कि असली जगरबाज कौन है। मैं किसी भी जगह दोबारा नहीं जाती। मैं जाती हूँ, चीजें तोड़ती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। तो अभी इसी वक्त करना पड़ेगा कुछ। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। मिस समटाइम्स, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी विश को पूरा करना। ठीक है, पर मेरा सेक्रेटरी मेरी जगह घूमने जाता है। 8 बजे पिकअप करना। ये तो अपना गंधर है।